सागर इन लग्जरी एसी रूम्स, पार्टी हॉल एंड कॉन्फ्रेंस हॉल। स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लीजिए फैमिली एसी रेस्टोरेंट के साथ। सागर जिले के देवरी के सरकारी समर्थन मूल्य पर किसानों की धान के उपार्जन के लिए शासन द्वारा स्थापित खरीद केंद्र पर किसानों से जमकर ठगी की जा रही है। आरोप है कि किसानों की उपज में कचरा बताकर उसे साफ करने के नाम पर उनसे प्रति क्विंटल 200 रुपए तक की मांग की जा रही है। मामले में किसानों से शिकायत प्राप्त होने के बाद क्षेत्रीय विधायक हर्ष यादव द्वारा राज्य शासन और प्रशासन पर किसानों का शोषण किए जाने का आरोप लगाकर मामले में जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। मामला देवरी कृषि मंडी परिसर स्थित समर्थन मूल्य धान खरीद केंद्र केसली का है, जहां बीते 3 दिनों से अपनी धान की तौल का इंतजार कर रहे कृषक से धान में कचरा होने की बात कहकर सफाई के नाम पर 150 रुपए प्रति क्विंटल की मांग की गई और हमाली तौल के लिए भी पैसे लेने को कहा गया। क्या नाम है आपका? हमारा अक्षय सिंह राजपूत। अच्छा, आज आप देवरी मंडी आए थे अपनी धान लेके? हाँ। क्या मामला हुआ आपका? हम देवरी मंडी आए थे धान लेके, हमने उनसे बोली हमारी धान तुलवाओ, बोला थे आपकी धान में कचरा है, कचरा है तो आप थ्रेसर में से डरवा दो, थ्रेसर में डरवाए 30 रुपये क्विंटल लगती। सो हमने और मजदूर का 30 रुपये क्विंटल, तो भी बोल रहा है इतना ही 150 रुपये क्विंटल लगेगा जब आपकी धान तुल पाएगी। हमने बोली कम से कह लेगी, मजदूर भी बढ़ गई है, अब डीजल भी बढ़ गए हैं, 150 से कम में नहीं तुल पाएगी आपकी धान। कौन कह रहे थे? ये सेंटर वाले। अच्छा, किसी को जानते हो सेंटर वाले में? जो भी उपस्थित एक जन दुबे हैं, शायद मयंक दुबे हैं। इस संबंध में क्षेत्रीय विधायक व प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री हर्ष यादव ने कहा है कि धान खरीदी केंद्रों में प्रति क्विंटल के हिसाब से केंद्रों पर 150 से 200 रुपए लिए जा रहे हैं, ये लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं। निश्चित रूप से गंभीर आरोप किसान भाइयों ने लगाए हैं और जिस तरह से लूट इन खरीदी केंद्रों पर किसानों का लूटा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है और प्रताड़ित भी किया जा रहा है। अच्छा साफ धान ले जाने के बाद भी सफाई के नाम पर, हमाली के नाम पर 150 से लेकर 200 रुपए मांगे जाते हैं। मैं आज इस आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, चाहे वो मूंग खरीदी केंद्र हो, चाहे गेहूँ खरीदी केंद्र हो, चाहे चना खरीदी केंद्र हो, चाहे मसूर खरीदी केंद्र हो, बेहद बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में, उनके कतिपय नेताओं के संरक्षण में इन खरीदी के संचालकों के द्वारा किया जाता है। लगातार किसानों का शोषण हो रहा है और मैं ये आरोप ही लगा रहा हूँ, ये तथ्यात्मक है। बहुत सारे लोगों ने शिकायत मुझे दी की है, पहले भी शिकायत की है और निश्चित रूप से प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही निर्धारित होती है कि ऐसे कतिपय संचालकों के खिलाफ जो रसूखदार हैं, राजनीतिक दलों से का संरक्षण प्राप्त है, सत्तारूढ़ पार्टी के दलों से संरक्षण प्राप्त हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई हो। वरना मैं आप लोगों को स्पष्ट कहना चाहता हूं, ऐसे खरीदी संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बात दूंगा, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रशासन पर दबाव बनाऊंगा। देवरी से सौरभ नगरिया, सागर टीवी न्यूज। सागर शहर के मध्य स्थित होटल सागर इन लग्जरी एसी रूम्स, पार्टी हॉल एंड कॉन्फ्रेंस हॉल। स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लीजिए फैमिली एसी रेस्टोरेंट के साथ। पता है हनुमान मंदिर के पास, 5 सिविल लाइन सागर। हमारा नंबर है 9893406953।